Hello friends, welcomes you to ODLS classes. This is Anand and today we are discussing about food, where does it come from. So my dear friend, हम इस chapter के last topic पर हैं. इससे पहले हम चार video बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखें. And इस topic में हम cover करने वाले हैं malnutrition. So malnutrition क्या होता है? Malnutrition is a condition in which a person does not get enough nutrients for proper function of its body. तो माल न्यूट्रिशन क्या होती है? माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी इंसान को रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. जैसे अगर आप कोई खाना खा रहे हो बट जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड है, जिनसे उसे ग्रो करना है, अगर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, इसे हिंदी में कुपोषण भी बोला जाता है और ये आज इंडिया की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, व्हाई शुड वी स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड? तो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमें अपना खाना क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए. फूड इज़ अ फ्यूल टू आवर बॉडी, विदाउट फूड वी कैन नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्ट. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है, बिना उसके हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, हम बिना उसके कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म भी नहीं कर सकते. वो हमारे फिजिकल एंड मेंटल दोनों डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, विदाउट उसके हम नहीं ग्रो कर सकते. हैव यू एवर रियलाइज्ड इवन अ डे विदाउट फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फूड के एक दिन भी आप रह सकते हो? शायद आप नहीं रह सकते. बट अगर मैं आपको एक सच बताऊं, बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड मैनी अदर कंट्रीज वर स्टिल स्टार्विंग. अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जो इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में भूखे सो जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं है. ओके, तो इसीलिए शायद हमें अपना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए. अब बात करते हैं, लॉस एंड वेस्टेज अकर इन ऑल स्टेप्स इन द फूड सप्लाई चेन. जैसे जो भी लॉस होता है फूड का, जो वेस्टेज होती है, वो फूड सप्लाई चेन में होती है कि जो फूड सबसे पहले कहाँ पर लॉस होता है. जैसे जो फूड हम बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ फूड वहीं पर लॉस हो जाता है, फिर हम बनाने के बाद उसे कंज्यूम करते हैं तो कंजप्शन के टाइम पर जो लॉस होता है, तो ये एक पूरी की पूरी सप्लाई के द्वारा चेन होती है, एक चेन होती है जहाँ पर अलग अलग स्टेप्स में फूड को, जो हमारा फूड है वो वेस्ट होता है. अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, है ना, जैसे इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मोस्ट लॉस अकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो खाना होता है वो प्रोडक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा लॉस और वेस्ट होता है. ओके, वाइल इन डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, है ना, यूरोपियन कंट्रीज, मच फूड इज वेस्टेड एट द कंजप्शन स्टेज. और अगर हम वहीं डेवलप्ड नेशन की बात करें तो वहाँ पर जो खाना है वो कंजप्शन स्टेज पे जाके ख़त्म होता है, मतलब लॉस होता है, वेस्ट होता है. तो ये दो स्टेप्स थे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमारा वेस्ट होता है. जैसे इंडिया की अगर हम बात कर रहे थे तो इंडिया में जब हम खाना बनाते हैं उस समय खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्योंकि हम शायद ध्यान नहीं देते. और जो डेवलप्ड नेशन है ना, वहाँ पर क्योंकि डेवलप्ड हैं भाई, पैसा है, तो बहुत सारे लोग खाने को ख़रीद के, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खाना ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. तो वहाँ पे कंजप्शन स्टेज पे ये खाना है वो क्या होता है? वेस्ट हो जाता है कंजप्शन स्टेज पे. ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं. जैसे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की अगर मैं बात करूँ, इन 2013 वी डिस्पोज्ड मोर देन 35 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट. तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में 35 मिलियन टन्स ऑफ फूड को हमने वेस्ट कर दिया. सोचो कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर ये खाना खाते तो कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते थे, बट इतना सारा खाना कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती से ही बर्बाद हुआ है. वेस्टेज ऑफ फूड ऑल्सो कॉज लोड ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड. तो जैसा कि आप जानते हो, जो फूड होता है वो कहाँ से बनता है? कहीं ना कहीं जो हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, वहीं से बनता है. अब जब हम इतना फूड बर्बाद कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है लोगों को नीड भी होती है,
तो कहीं ना कहीं इसका एक लोड आ जाता है किन पर, जो कि हमारे फार्मर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं उन पर एक लोड आ जाता है कि अब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, खाने को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि हर एक इंसान भूखा ना सोए, हर एक इंसान को खाना अवेलेबल हो सके। तो एक तरीके से लोड भी क्रिएट करता है किस पर, एग्रीकल्चर पर। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे अगर आप खाना बचाते हो, बेनिफिट्स ऑफ नॉट वेस्टिंग फूड, अगर आप खाना बर्बाद नहीं करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वैसे फ़ायदा तो सबसे बड़ा यही है कि खाने को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, खाना हमें कभी भी काम आ सकता है, किसी भी इंसान के काम आ सकता है। बट सेव्स मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे डायरेक्ट जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होगा कि अगर आप खाना ज़्यादा नहीं खरीदोगे तो आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाएंगे, है ना, आपकी जो मनी है वो आप सेव कर लोगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा खाना खरीदोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम खाना खरीदोगे तो कम पैसा लगेगा। इस तरीके से आप अपने पैसे को भी सेव कर सकते हो। ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ फूड लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज्ड एंड मीथेन गैस कंट्रीब्यूट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी खाना हमारा होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है, और उससे क्या होता है मीथेन गैस जनरेट होती है। ओके और ये मीथेन क्या करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये क्या करती है, हीट को ट्रैप करने का काम करती है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की कॉज है और ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फूड में। नेक्स्ट थिंग, कंजर्व एनर्जी एंड सोर्सेस, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग फूड। तो जैसा कि अभी जो हमने गलतियां करी हैं अब हमें उन्हें हम उन्हें सुधार सकते हैं ना, जो भी हम एनर्जी वेस्ट करते हैं उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने में बहुत सारी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं वो हम कंजर्व कर सकते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं उनको सेव कर सकते हैं। जैसे हम इतनी वेजिटेबल्स लेते हैं ना, ये सारी भी खाने के साथ बर्बाद हो जाती हैं, तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं ना। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन इन्वॉल्व इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टिंग और सेलिंग फूड। जैसे कि आपको पता है कि अगर खाना बर्बाद होता है तो ये पॉल्यूशन भी करता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, बहुत सारे कीड़े हैं ना, बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट्स भी डालता है हमारे इन्वायरमेंट पर। सपोर्ट्स कम्युनिटी बाई प्रोवाइडिंग डोनेटेड फूड दैट बी हैव अदरवाइज गॉन टू वेस्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं जो कि फूड को वेस्ट करने से रोकती हैं और वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करती हैं फूड को, फूड का जो नीडी पीपल हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, तो आप उनको सपोर्ट करें, अपना जो भी खाना है आपके घर में बचता है उनको जा कर के दें, ताकि ये जो खाना है सही तरीके से यूज़ किया जा सके, अपने खाने को फेंके मत, है ना। आप सर्च करें कि कैसी कौन सी कम्युनिटी आपके आसपास है, वहाँ जा कर के ये खाना दें, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सोचिए आप एक दिन बिना खाने के नहीं रह सकते, तो क्यों अपने खाने को वेस्ट करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, सो प्लीज़ उन सारी कम्युनिटीज़ को, है ना, हेल्प करें। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपने अपने खाने को कैसे सेव किया है। थैंक यू सो मच।